हम बात कर रहे हैं चुनावी राज्यों के घमासान की और आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात इलाके में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। विधायक बौकनीपुर से विनोद कटियार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीरज रानी जी, जिलाध्यक्ष जालौन रामेंद्र सिंह पन्ना जी, जिलाध्यक्ष कानपुर देहात अविनाश सिंह चौहान जी, जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री आनंद सिंह जी, अशोक राजपूत जी, संजू ऋषि जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस मंच पर होगा। आज जब कानपुर देहात की इस धरती पर हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कुछ ही देर में प्राप्त होने जा रहा है, मैं इस अवसर पर आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा की ही रूप देवी मुक्ता की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का, नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चलना है। 2022 के जब विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के आज दूसरे चरण का मतदान 55 विधानसभा सीटों पर चल रहा है। इससे पूर्व 58 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। हम सब जान रहे हैं पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7.5-8 वर्षों के दौरान देश के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और देश के अंदर समग्र सुरक्षा के लिए जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, आज पूरा देश इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और उनके प्रति आज भी जो विश्वास पूरे देश के अंदर है, आजादी के बाद किसी नेता के रूप, किसी राजनेता के प्रति इस प्रकार का जन विश्वास न केवल भारत में बल्कि आज पूरी दुनिया के लिए ये कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। भाइयों बहनों, 2017 में आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन किया था और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2017 के पहले प्रदेश में जो सुरक्षा के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां थी, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति थी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दंगों के कारण जिस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा हुआ था और जिस प्रकार की अराजकता का दृश्य 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता था, भाइयों बहनों 2017 के बाद आपने देखा होगा आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण है, 2017 के पहले जो बेटी अपने को सुरक्षित महसूस करती थी, आज वही बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जिस प्रदेश में 2017 के पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले लगातार अव्यवस्था का माहौल होता था, आज भाइयों बहनों 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, उत्तर प्रदेश में अब कानपुर में दंगे नहीं होते, बल्कि उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्रा निकलती है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले व्यापारी असुरक्षित था, बेटियां सुरक्षित थी और बमबाजी बाजारों में होती थी, किसानों पर होती थी, हर राह चलते हुए राहगीरों पर होती थी,
2017 के बाद आपने देखा होगा अब बमबाजी नहीं होती है। अब कावड़ यात्री जब कावड़ यात्रा निकलता है तो हर हर बम बम के नारे लगा करके चलता है, शानदार तरीके से चलता है। कोई उनकी यात्रा को रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, सुरक्षा के इस बेहतर माहौल ने प्रदेश के अंदर निवेश की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज इस निवेश के कारण प्रदेश आगे बढ़ा है। डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को कई गुना रफ्तार से मिला है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौजवानों को रोजगार मिलना है और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी एक जनपद एक उत्पाद की योजना के माध्यम से परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किया है, लाखों नौजवानों को और परंपरागत उद्यमियों को इसके माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।